हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद हिशा में। आज हम बनाने वाले हैं काजू कतली। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ढेर सारा काजू और इसका हमें पाउडर बनाना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो काजू है उसे हमें एक साथ नहीं पीसना है मिक्सी में, लगातार एक मिनट तक नहीं पीसना है। इसे हमें एक दो बार करके धीरे धीरे पीसना है, यानी कि एक बार ऑन किया तुरंत ऑफ कर दिया, ठीक है। इस तरह से पीसना है। इस तरह से जो काजू है वो अपना ऑयल रिड्यूस नहीं करेगा। अगर काजू आपका ऑयल रिड्यूस कर देता है तो उससे आपका काजू का बर्फी नहीं बनेगा। इसको पीस लेने के बाद इसे हमें अच्छे से स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद जो काजू का पाउडर वो अलग हो जाएगा और जो इसमें जो काजू के और भी बड़े बड़े पार्टिकल्स रहेंगे उसे हमें वापस से पीस लेना है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो काजू है वो सिर्फ फाइन पाउडर ही होना चाहिए और इसका जो ऑयल है वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए। अब जो हमने काजू का पाउडर बनाया है, इस पाउडर को हमें 2 कप यूज़ करना है। अब इसके साथ हम बनाएंगे चाशनी, क्योंकि जो काजू कतली है वो चाशनी में कुक होता है। तो उसके लिए हम लेंगे 3/4 कप चीनी, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम, और जितना चीनी रहेगा उतना ही पानी रहेगा। और चाशनी को हमें गाढ़ा नहीं करना है, बस चीनी हमारा मेल्ट हो जाना चाहिए, उतना ही हमें इस चाशनी को कुक करना है। धीरे धीरे इसमें बॉयल आएगा, आप इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए। एक बार जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, हमें ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि अगर चाशनी गाढ़ा हो जाएगा तो जो आपका काजू कतली है वो सॉफ्ट नहीं रहेगा, वो एकदम हार्ड हो जाएगा, एकदम पत्थर जैसा। इसीलिए इसमें पानी भी रहना चाहिए, प्रॉपर हमें चाशनी नहीं चाहिए, एकदम गाढ़ा नहीं चाहिए। एक बार जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, पानी में बॉयल आ जाए, उसके बाद जो हमारा काजू का पाउडर है जो हमने पीसा था उसे हम इसे में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे आपको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए भी छोड़िएगा तो जो काजू है वो नीचे से जल जाएगा, तो उससे आपका स्वाद भी थोड़ा सा ख़राब हो सकता है और कलर में भी बहुत डिफरेंस आएगा। इसीलिए इसे हमें लगातार स्टर करते रहना है ताकि ये नीचे से जले ना। इसे हमें कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से स्टर करते रहना है। इसके बाद ये धीरे धीरे गाढ़ा होगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी। घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे कम से कम 1 मिनट तक स्टर करें। उसके बाद जो आपका बैटर है वो डो की तरह बनेगा, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से डो की तरह हो जाएगा। वहाँ तक हमें इसे कुक करना है। उसके बाद ये फिर ठंडा होगा तो आपका डो बहुत ही अच्छे से बन करके रेडी हो जाएगा। इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। अगर आप ओवर कुक भी कर दीजिएगा तो फिर जो आपका काजू कतली है वो हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट एकदम नहीं रहेगा। तो इसे हमें ज़्यादा कुक भी नहीं करना है। अब हम इसे एक बटर पेपर में निकाल लेंगे। बटर पेपर में घी हमें ज़रूर से लगाना है। इसके बाद बटर पेपर में हमें इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि ये डो की तरह रेडी हो जाए। अब इसके ऊपर हम एक और बटर पेपर लगा लेंगे अच्छे से ग्रीस करके घी से, और इसे हमें अच्छे से बेल लेना है। ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, जैसे काजू कतली रहता है उस तरह से हम इसे बेल लेंगे। उसके बाद जो ऊपर का बटर पेपर है उसे हम निकाल लेंगे, और अगर आपके पास सिल्वर वर्क है तो आप इसको इसके ऊपर अच्छे से लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी तरह से इसको आप कट करके सर्व भी कर सकते हैं। काजू कतली जब अच्छे से एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे। अगर गर्म में कट करिएगा तो थोड़ा टूट भी सकता है, इसलिए जब ये एकदम अच्छे से रूम टेम्परेचर तक आ जाए, अच्छे से ठंडा हो जाए, इसे हमें फ्रिज में नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर में ही ला करके ठंडा रखना है। आप इसे बाहर ही रखिए, फ्रिज में नहीं रखना है। इसके बाद ही हम इसे अच्छे से कट करेंगे। तो आपने देख लिया है कि काजू कतली बनाना कितना आसान है। आप भी इसे अपने घर में ट्राई करिए, और दिवाली आने वाला है और आप भी इसे अपने घर पे बनाइए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।